किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि शांत जल में कोई कुशल नाविक नहीं हो सकता। जब नदियों की धाराएं अनुकूल हो तो मुर्दे भी उन धाराओं के साथ में बहते हैं। जिंदगी का असली मजा तो तब आता है जब धारा के विपरीत बढ़ने का जज्बा अंदर हो। दोस्तों, पिछले महीने हम सभी लोगों ने 100 PV क्लब का निर्माण किया था और हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम अपने आप को 100 PV क्लब में स्थापित करेंगे, न सिर्फ अपने बिजनेस के लिए, न सिर्फ अपने बोनस के लिए, बल्कि अपने टीम में आने वाले लीडरशिप के लिए एक प्रेरणा हम सभी लोग बनेंगे। लेकिन एकाएक परिस्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई, लॉकडाउन हो गया, लोगों ने घरों के अंदर से अपने उस कमिटमेंट को पूरा किया और 100 PV क्लब में वो शामिल हुए। मैं उन सभी लोगों से कमिट किया था कि मैं आपके इस अचीवमेंट के बाद आपका एक बेहतरीन रिकॉग्निशन करूंगा, लेकिन आज परिस्थिति उस रिकॉग्निशन की नहीं है। आज हम मीटिंग नहीं कर सकते, सेमिनार्स नहीं कर सकते, लेकिन मैं अपने उस वादे को पूरा करने के लिए आज इस वीडियो को तैयार किया। मैं सैल्यूट करता हूं उन सभी लोगों को जिन्होंने मार्च महीने में विषम परिस्थिति में अपने आप को 100 PV क्लब में शामिल किया। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं अपने इन सभी वॉरियर्स का। तो ये हमारे वॉरियर्स इस तरह से हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वीडियो के माध्यम से उनकी तस्वीर आपके सामने में आए तो अकेले ही सही, एक जोरदार ताली आप उनके लिए जरूर बजाएं, क्योंकि उन्होंने विषम परिस्थिति में अपने आप को स्थापित किया है।
100 पीवी क्लब अचीवर्स के लिए। दोस्तों, परिस्थितियां आज भी अनुकूल नहीं है, परिस्थिति प्रतिकूल है, लेकिन हमारे लीडरशिप को साबित करने का एक बेहतरीन मौका, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये अप्रैल का मंथ है। और इस अप्रैल महीने में हम सभी लोग, किन्हीं कारणों से जो लोग मार्च में इसमें शामिल नहीं हो पाए थे वो लोग भी, और जिन लोगों ने मार्च में भी इस क्लब को ज्वाइन किया था वो सभी लोग एक बार फिर से हम अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे और लीडरशिप का अपने टीम के लिए, अपनी मोदी केयर के लिए हम लोग एक बार फिर से प्रयास करते हैं। और अप्रैल महीने में हम इससे भी ज्यादा दुगनी संख्या में हम लोग इस क्लब में शामिल होंगे और अपने टीम, अपने मोदी केयर का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू।